अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद नासिर, उमे हनी का वालिद। जो मेरी बच्ची जो है 1.5 महीने से लापता है, 3 दिन से उसकी नानी बहुत सीरियस हालत में थी और उसको बहुत याद कर रही थी, अपनी नवासी को, उमे हनी को। उसकी याद में आखिरी पल तक वो याद करती रही। हम रात भर परेशान होकर उनके इलाके में गए, वहाँ पर जाकर उनके नंबर मालूम हुआ तो हमने उस पर कॉल की, फ़ोन किया कि वो उमेहानी की नानी का इंतकाल हो गया है, उससे बात करा दें। मगर उन्होंने बात कराने के बजाय हमें जवाब दिया कि जाओ, तुमने अदलिया से बात की है, जाओ अदलिया ही करेगी जो कुछ करना है। अब जो तुम्हें करना है वो अदालत से करो। और ऐसा जवाब देकर हमें जो है बेचैन कर दिया है। और हमारी घर में 2 मैयतें हो चुकी है जिसके ऊपर हमारी बच्ची से बात तक नहीं कराई गई है। मैं अदलिया से और आर्मी चीफ से और हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि हमारा ख़ानदान, हमारा इस दुनिया से जा रहे हैं और वो लोग हमारी बच्ची पर इस तरह कब्ज़ा कर कर बैठ गए हैं। वो एक जालिम, ऐसे जालिम लोग हैं कि उन्होंने माँ बाप से रिश्ता, रिश्तेदारों से रिश्ता ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि उसकी नानी उसकी याद में अल्लाह पाक के पास चली गई। मैं हुक्मरानों से और अदलिया से और चीफ जस्टिस से और मीडिया के साथियों से और दोस्तों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए। आप लोगों का अल्लाह भला करेगा। मैं बहुत परेशान हूँ मेरी बच्ची की वजह से, और मेरे घर में मैयत हुई हुई है और मेरी बच्ची तक की आवाज़ नहीं सुनाई गई। ताकि वो अपनी वीडियो लिंक पे अपनी नानी को देख तो लेती, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया।